कपिल शर्मा, वो नाम जो कॉमेडी किंग के नाम से भी जाना जाता है, और ये अपनी कॉमेडी का जादू ऐसा चलाते हैं कि लोग उनकी कॉमेडी के दीवाने हो जाते हैं। कपिल शर्मा की पॉपुलैरिटी इतनी है कि उन्हें एक 5 साल के बच्चे से लेकर 95 साल का बुजुर्ग तक जानता है। कॉमेडी एक ऐसा मंत्र है जो रोते हुए को भी हंसा सकता है और सबके चेहरे पर खुशी भी ला सकता है। कपिल शर्मा का जन्म 2 अप्रैल 1981 को अमृतसर में हुआ था। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और उनका असली नाम कपिल पुंज है। उनके पिता का नाम जितेंद्र कुमार पुंज था, वो पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। कपिल शर्मा बचपन से ही बहुत शरारती थे, वो कभी भी कहीं भी मिमिक्री करना शुरू कर देते थे। इसके साथ ही कपिल शर्मा को सिंगिंग करना भी बहुत ज्यादा पसंद था और उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अमृतसर के एक स्कूल से की थी। इसी दौरान उन्हें पता चला कि उनके पिता को कैंसर अब 3rd स्टेज पर पहुंच चुका है। ये सुनकर उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। वो पल पल अपने पिता को मौत के मुंह में जाता हुआ देख रहे थे और वो बिल्कुल बेबस थे। उनके घर के सारे पैसे उनके पिता के इलाज में खर्च हो चुके थे, जिसके चलते उनके परिवार पर आर्थिक तंगी आ गई थी। और एक वक्त ऐसा भी आया कि कपिल शर्मा को अपने स्कूल की फीस देने के लिए भी पैसे नहीं थे। इस कठिनाई में भी उन्होंने हार न मानते हुए काम करने का सोचा और वो एक पीसीओ में काम करने लगे, जिससे वो अपने खुद का खर्च उठा सके। इसके बाद उन्होंने अमृतसर के हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी। इसी बीच कपिल शर्मा को अचानक एक दिन दर्दनाक खबर मिली, जिसने उनके होश ही उड़ा दिए। साल 2004 में उनके पिता की कैंसर से मृत्यु हो जाती है। उस समय कपिल शर्मा 23 साल के थे। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थे और घर में कमाने वाले केवल कपिल के पिता ही थे और वही पूरे घर का खर्च चलाते थे। पिता की मृत्यु के बाद उनकी नौकरी किसी एक बेटे को मिल सकती थी। कपिल की माँ चाहती थी कपिल शर्मा पुलिस में भर्ती हो जाए, लेकिन कपिल को कुछ और ही बनना था। कपिल ने नौकरी के लिए मना कर दिया। तब उनके बड़े भाई अशोक शर्मा पंजाब पुलिस में भर्ती हो गए। कपिल शर्मा ने MH1 की कॉमेडी शो हंसते रहो से मनोरंजन में अपने करियर की शुरुआत की। बहुत सी जगह फेल होने के बाद कपिल को उनका पहला बड़ा ब्रेक द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से मिला। इसमें वो कई बार रिजेक्ट भी हुए थे, लेकिन वो इस बार न केवल सिलेक्ट हुए, उन्होंने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो भी जीता। साल 2007 में विजेता बने और उन्हें 10 लाख रुपए का प्राइज मनी भी मिला था। इसके बाद उन्होंने सोनी टीवी पर होने वाले कॉमेडी सर्कस में भी हिस्सा लिया। 2008 में कपिल ने उस्तादों के उस्ताद में हिस्सा लिया। उन्होंने झलक दिखलाजा के 6th सीजन को होस्ट भी किया था और कॉमेडी शो छोटे मियां बड़े मियां को भी होस्ट किया था। साल 2013 में कपिल शर्मा ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लिया और अपनी पूरी सेविंग्स लगाकर अपना खुद का एक प्रोडक्शन हाउस खोला, जिसका नाम रखा K9 प्रोडक्शन। कलर्स टीवी के साथ मिलकर कपिल ने अपना खुद का शो बनाया, कॉमेडी नाइट विद कपिल, जो सफल रहा। इसके बाद वो अपनी लाइफ में सक्सेस की ऊंचाइयों को लगातार छूते जा रहे हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें दिल्ली इलेक्शन कमीशन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वो भारतीय टेलीविजन के शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 8 के ओपनिंग एपिसोड में गेस्ट की भूमिका में भी नजर आए थे। इसके अलावा अगर बॉलीवुड में बात करें तो कपिल शर्मा ने कॉमेडी फिल्म किस किस को प्यार करूं में मेन रोल किया था। कपिल शर्मा ने 12 दिसंबर 2018 को गिन्नी चतरथ से जलंधर में शादी की थी। कॉमेडी की दुनिया में किए गए अपने दमदार परफॉर्मेंस के लिए टेलीविजन अवार्ड के साथ ही कपिल को स्वच्छ भारत मिशन के लिए किए गए योगदान के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।